दोस्तों, भारत टीम का जिम्बाब्वे दौरान खत्म होने के बाद आज श्रीलंका दौरान होने वाला जो मैच है, इंडिया टीम का प्लेइंग 11 बहुत ही बदलाव देखने के लिए मिला है। जी हां दोस्तों, इंडिया टीम का प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है, जैसा है कि कप्तान के साथ साथ पूरे टीम बदल गए है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है इंडिया टीम का प्लेइंग 11। ऐसा है कि टीम इंडिया के प्लेइंग 11 जो कि ओपनर में आएंगे, टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, इस दोनों आज करेंगे ओपनर। ये तो कन्फर्म हो चुका है क्योंकि टीम इंडिया के स्क्वाड में ओनली 2 ओपनर को था, लेकिन टीम इंडिया के पास कोई मौका था, अच्छे अच्छे ओपनर भी अभी मौजूद है, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा, लेकिन इस दोनों को स्क्वाड में मौका नहीं दिया है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करेंगे ओपनर, ये तो 100% कंफर्म हो गए हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर के साथ साथ टीम इंडिया के T20 मैच के कप्तान, सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी है, अब सूर्य कुमार यादव करेंगे T20 मैच के कप्तान और सूर्य कुमार यादव को इस मैच में अहम भूमिका होगी। लोअर के बात करें तो टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज जो कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे और ऑलराउंडर के रूप में देखने के लिए मिलेगा हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को, जो कि हार्दिक पांड्या के इस T20 श्रृंखला में कप्तान करने के कंफर्म था, लेकिन साथ नहीं दे रहा है, जो कि रोहित शर्मा जिस टीम में कप्तान करते थे हार्दिक पांड्या को कप्तान कर दिया जा रहा था, लेकिन BCCI ने इस T20 में नए कप्तान बनाया है जो कि सूर्य कुमार यादव को, और अक्षर पटेल कंफर्म है कि इस T20 फॉर्मेट में संन्यास ली है जाडेजा जाडेजा के जगह में अक्षर पटेल ही रहेंगे। अभी हम बात करेंगे बॉलर में किस किस को प्लेइंग 11 में रखा है टीम इंडिया। वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई, और नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और 11 पर है मोहम्मद सिराज, इस दोनों भी टीम इंडिया के लाजवाब गेंदबाजों में से एक रहे। ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे भी क्रिकेट रिलेटेड वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।